Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me, Muqaddas Faisha, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. In this video tutorial, we will cover subtractor. Subtractor पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें binary subtractor का पता होना जरूरी है. Rules क्या होते हैं binary subtraction के, वो पता होना जरूरी है. क्या rules होते हैं? For example, अगर आपने zero में से zero को minus करना है, then answer will be zero. Zero में से one minus नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? एक carry लेंगे, जिसको हम borrow कहते हैं. आपने एक कैरी लिया, लेकिन जब कैरी इधर जाता है तो वो क्योंकि बेस इसकी बाइनरी सबट्रैक्टर है, तो बेस इसकी टू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल टू. कैरी आपने वन लिया, बट यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू लगती है वो टू लगती है. ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी. टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर विल बी वन, और बारह बिट हमारे पास क्या आ जाएगी? वन. फिर वन में से जीरो माइनस किया, वन. वन में से वन माइनस किया, देन जीरो आपके पास आ गया. ये तो थी पुरानी लॉजिक, जैसे आप बिट्स को माइनस कर रहे होते हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी सबट्रैक्टर हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर. हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, डिफरेंस एंड बोरो बिट. यानी आपके पास अगर दो इनपुट्स हैं तो दो ही आपके पास आउटपुट आएंगी. एक डिफरेंस होगा, यानी उन दोनों का आंसर जो आप माइनस करके आ रहा है, और दूसरा अगर बोरो बिट है तो आप जिस जो भी बोरो ले रहे हैं, मतलब जो भी कैरी ले रहे हैं, तो आप वो लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास दो इनपुट्स जो हैं, ए और बी. ए को हम कहते हैं मिन्यूएंट, और जो बी है सबट्रैहेंट. ठीक है, मिन्यूएंट एंड सबट्रैहेंट. मिन्यूएंट क्या है? हमारे पास इनपुट बिट ए है, और सबट्रैहेंट जो है वो इनपुट बिट बी है. एंड टू आउटपुट्स है हमारे पास, डी जिसको हम डिफरेंस बिट कहेंगे, और बी जीरो है जो बारो आउट होगा. इट इज यूज टू परफॉर्म सबट्रैक्शन ऑफ टू बिट्स. टू बिट्स की सबट्रैक्शन मीन्स हाफ सबट्रैक्शन. आपके पास ए बिट मेन्यू एंड और सबट्रैहेंड जो आपके पास था ए एंड बी. डी आपके पास डिफरेंस के लिए है, बी जीरो बारो आउट के लिए. ये होता है ब्लॉक डायग्राम हाफ सबट्रैक्टर की. लॉजिक डायग्राम अगर हम देखें, ए बी, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपके पास, उसके बाद ये नॉट, और फिर ये एंड है, और फिर बी जीरो. इसका मतलब ये कि अगर आपने बारो बिट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? ए की बिट को आप, इससे आप इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको लॉजिक डायग्राम कैसे होगा, बी जीरो की इक्वेशन क्या बनेगी, आप क्या करेंगे? ए नॉट, यानी ए को आप क्या कर रहे हैं? निगेशन, ये ए आप ले रहे हैं. उसके बाद बी को वैसे ही, और दोनों को दरमियान में क्या लगा दें आप? एंड ऑपरेटर. क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रुथ टेबल देखेंगे हाफ सबट्रैक्टर का. हमारे पास मिन्यूएंड और सबट्रैहेंड हमारे पास इनपुट्स बिट हैं. हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट्स दिया टू जीरोस एंड टू वंस हैं, उसके बाद वन जीरो, और फिर वन, फिर जीरो, फिर वन. अब डिफरेंस फाइंड करें, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, आपने कोई भी बारो नहीं ली बिट. जीरो में से वन माइनस नहीं होता, आपने एक बिट बारो की, और फिर यहाँ पर टू आ गया. टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर विल बी वन आ गया. अब यहाँ पर कोई बिट बारो नहीं की, वन. वन में से वन, जीरो. ये तो सिंपल सा टेबल हो गया पहले की तरह वाला. फिर उसके बाद नेक्स्ट, अगर इसका हम के मैप बनाए, आपने डिफरेंस का यानी डी का अगर आपने के मैप बनाया, तो देखें वन वन किधर आता है? जीरो वन कहाँ कहाँ पर आता है? जब आपकी ए और बी जीरो, यानी ए जीरो और ये वाली बिट वन हो, तो क्या आपका डिफरेंस आया? यहाँ पर वन आया. उसके बाद वन जीरो पर आपका ये वन आ गया, तो आपकी ये दो जो थी ये आपकी बन गई. और इसके अगर हम निकालें तो ये क्या बनता है? ए बार बी, और ये बनता है ए बी बार. इसी तरह आप बारो बिट का आपने निकालना है. ठीक है, बारो बिट का आप निकालें तो बारो बिट का ये हमारे पास आ गया. बारो बिट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली यहाँ पर वन आ रहा है, तो वन किधर आ रहा है? जहां पर जीरो और वन है. तो ये बारह बिट का आपने के मैप जो था वो निकाल लिया. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के मैप की इक्वेशन है. इक्वेशन कैसे है? वही जो पीछे हमने बनाई थी. लॉजिक डायग्राम से आप इक्वेशन ड्रा कर सकते हैं. देखें डी है, डी में कैसे है? सिंपल, आपके पास ए बार और बी है. ठीक है, प्लस ए बी बार करके यह पूरा आपके पास आंसर आता है. इस तरह बी का जो है वो है ए बार, और आगे आपके पास सिंपल जो है वो डी आ जाता है. ये इक्वेशन याद करने तो ज्यादा बेटर है आपके लिए. उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है हाफ एडर के? हाफ एडर कैन ओनली परफॉर्म द सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है टू बाइनरी बिट्स की, बट विल व्हाइल परफॉर्मिंग द सबट्रैक्शन इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द बारो आफ्टर लोअर सिग्निफिकेंट स्टेज, को ये नहीं देखता. ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग बेसिक गेट से आप कर सकते हैं. ये ए है, ये बी है, निगेशन लगाए और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये डी आपने फाइंड किया और ये बी है, यानी इतना हिस्सा क्लास जो ये है ये आपका डी फाइंड करने के लिए है, और फिर ये आपके पास बारो बिट है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड की ए बी. ये डायग्राम कैसे आएगी आपको? ये डायग्राम आपको आएगी इसके जरिए से.
ठीक हो गया। इसके जरिए से आपके मैप ये डायग्राम बने, देखें ए बार बी अलग किया, ए बी बार अलग किया और फिर डी करके उन्होंने कर दिया जैसे पीछे वाले इक्वेशन में थी। सिंपल आपको डायग्राम्स बनाना तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने डायग्राम जो है वो बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया फुल एडर। फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट परफॉर्म्स सबट्रैक्शन इन्वॉल्विंग थ्री बिट्स। एक आपके पास क्या आएगी, मिन्यूएंड बिट, फिर उसके बाद सबट्राहेंड आपके पास है, आपके पास बिट है, उसके बाद बारो फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज से आपने जो लिया होगा और थ्री इनपुट्स आपके पास एक्स है, वाई है और बिन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। ठीक हो गया, ये तीन आपके पास अब आ जाएंगी और डी आपका वही डिफरेंस होगा और बारो एंड होगा, यानी एक्स बिट आएगी, वाई आएगी और आपके पास बिन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज से बी आई एन वाली बिट होगी, डी होगा डिफरेंस के लिए और बी आउट होगा जो बारो आउट के लिए, हाफ फुल सबट्रैक्टर में आपका जो यूज हो रहा है, ये आ गया हमारे पास। अब करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखें तीन इनपुट्स हैं, तीन इनपुट्स के लिए पहले फोर टाइम जीरो और फोर टाइम्स वन, फिर टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, टू टाइम जीरो एंड टू टाइम वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन। अब डिफरेंस है, अब देखिए तीनों को माइनस करें, आप इधर करके दिखा रही हूँ मैं, जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो तो जीरो आ गया। अब आपके पास अगला है जीरो माइनस जीरो माइनस वन, अब ये ऐसे माइनस नहीं होता, आपको कैरी लेना पड़ेगा। आपने बारो आउट में यहाँ पे वन लगा दिया, यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, टू। टू में से जीरो को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है टू ही आता है, फिर यहाँ पर टू आ गया, फिर टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर विल बी क्या आ जाएगा आपके पास, वन आ गया। तो डिफरेंस आपका किसके इक्वल आ गया, वन के। अब फिर देखें यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब है फिर आपको कैरी लेना पड़ेगा, आपने कैरी की जगह पर आपने वन लगा दिया और यहाँ स्टार्ट में अब आपके पास टू माइनस वन माइनस जीरो है, तो टू में से वन माइनस करें तो आंसर विल बी वन आ गया। फिर आपके पास स्टार्ट में यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, तो आपने कैरी बिट वन लिखी और यहाँ पर आपने टू लिख दिया, तो टू माइनस वन माइनस वन करें, टू में से वन माइनस किया तो वन आया आंसर, वन माइनस वन करेंगे तो आंसर विल बी जीरो आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर वन है, अब कोई कैरी नहीं लेंगे आप, वन है तो वन में से जीरो या माइनस करें तो वो वन ही आता है। फिर आपके पास वन आ गया तो आप कैरी नहीं लेंगे, वन में से सिंपल जीरो माइनस करें वन आता है, फिर वन में से वन माइनस करें तो जीरो आ गया। फिर स्टार्ट में वन है तो कैरी नहीं लेंगे, वन में से वन माइनस किया तो आंसर विल बी जीरो। अब आपके पास थ्री टाइम्स आ गए वन, अब वन में से, अब यहाँ पर ऐसे है वन माइनस वन माइनस वन, आपने वन में से वन माइनस किया तो आंसर विल बी जीरो आ गया। अब यहाँ पर कैरी लेने की जरूरत है तो आपने यहाँ पर कैरी लिया और यहाँ पर अब आपका रह गया टू, टू माइनस वन लिखेंगे तो टू में से वन माइनस किया तो डेट विल बी वन। तो ये था हमारा तीन इनपुट्स के लिए फुल सबट्रैक्टर की किस तरीके से हमने सबट्रैक्ट किया। अब बाइनरी जो हमारे पास है उसको देखते हुए हमने ये के मैप उन्होंने ड्रा किया है कि कहाँ कहाँ पर आपकी वैल्यूज जो है वो वन लग रही हैं, जीरो जीरो वन जब आपके पास है, ये जीरो जीरो वन जब आपके पास है तो यहाँ पर वन है तो ये वन आ गया आपका। ठीक हो गया, फिर इसी तरह जीरो वन जीरो जब है आपका, जीरो वन एंड जीरो जब आपका है तो इधर वन है, फिर इसी तरह जीरो वन वन, जीरो वन वन के जगह पर आपका आपके पास क्या है, वहां पर आपके पास वन है। इस तरीके से मतलब आपने ये सारी की सारी बना ली और फिर आपने ये जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट कर ली कि कैसे डी की इक्वेशन इधर से भी फाइंड आउट हो सकती है, के मैप से ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए होंगे, अगर नहीं तो आप इसको माइंड में रख लें। इसी तरह बी आउट के लिए आपके पास है जो भी है, सॉरी ये वाली जो अभी बताई है मैंने ये बी इन की है, ठीक है, ये इसकी है, इसकी जहां जहां पर ये वाले वन है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि दो बिट्स हैं, ठीक है, एक एक्स है और दूसरा, एक मिनट में क्लियर ड्राइंग करती हूँ आपको फिर क्लियर होगा। नहीं, अब क्या है हमारे पास एक्स और वाई है, यहाँ पर बी इन है, यहाँ पर एक्स वाई बी इन, ये वाला जो डिफरेंस टेबल था ये डी का था, मुझे लगा ये बी आउट का है, तो आपके पास जो ये वाला डिफरेंस टेबल है ये यहाँ पर ये इसके लिए है, ये और ये, यानी ये यहाँ पर होगा जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन पर वन है, जीरो वन जीरो पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वन जीरो जीरो, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जब आपके पास ट्रिपल वन आ जाते हैं ये, फिर इसे इक्वेशन उन्होंने फाइंड की के मैप से, इसी तरह नेक्स्ट किया, अभी तक कोई भी आपके पास नहीं बनते कॉम्बिनेशंस, ठीक है, तो फिर सिंगल सिंगल की ही इक्वेशन उन्होंने ड्रा कर दी। अब इसमें क्या होता है, इसमें उनके पास कॉम्बिनेशन ये और ये वाला बन रहा है, तो इसी तरीके जिस तरीके से हम निकालते हैं, अब इसमें जीरो यहाँ से देखें रो को और ये कॉलम को, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास वन आ जाता है कॉमन, तो फिर हम जीरो और वन वाली को ही लिखते हैं सिंपल और कॉमन वाली बिट को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्लास, इस तरीके से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास के मैप हो तो हमने जब फाइंड करना होता है ये वंस वाला, तो फिर हम क्या करते हैं कि
किस तरीके से फाइंड करते हैं। एनी हाउ हमारा टॉपिक ये नहीं था कि हम ट्रुथ टेबल से ये सीखे, हमने जस्ट सबट्रैक्टर को देखना था। ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा चुकी हुई हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वाले वीडियोस देख लें। उसके बाद ये वही इक्वेशन है, उसको उन्होंने किया हुआ है। इक्वेशन फॉर द बारो आउटपुट इज एग्जाम्पल डेट कैरी कैरी आउट फुल एडर एक्सपेक्टेड एट वन ऑफ द इनपुट इज कम्प्लीमेंटेड। इक्वेशन ऑफ डी सेम होगी, सम ऑफ आउटपुट ऑफ फुल एडर, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ फुल एडर इनटू फुल सबट्रैक्टर में कन्वर्ट हम उसको कर सकते हैं बाय कम्प्लीमेंटिंग द इनपुट बिफोर एंड सप्लाई इनटू द इनपुट ऑफ गेट्स व्हिच फ्रॉम द बारो आउटपुट। उसके बाद ये वाली जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये वेक्टर पिक्चर से बनी हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, ये बाइनरी इनपुट को क्लास यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से इन दोनों बाइनरी इनपुट को कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद डी मॉर्गन के लॉ सिंपली अप्लाई किए हैं और फिर उन्होंने इस चीज को उन्होंने फिर फाइंड आउट किया। अच्छा, उसके बाद अब यही वाली इक्वेशन जरिए डी फाइंड करने के लिए, अब आपके पास इक्वेशन आ गई, आप जो है वो उसका क्या ड्रा करेंगे, डायग्राम ड्रा कर लेंगे कि ये हमारे पास एक्स वाई है, डी कैसे फाइंड होगा और उसके बाद जो है वो दूसरा हमारे पास किस तरीके से फाइंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।